मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में उज्जैन से आगरा होकर कोटा को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण सड़क पर चलना दूभर हो गया है। यही कारण है कि सड़क पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। अभी हाल ही में सड़क पर बने गड्ढों के कारण एक ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई थी, जिसके कारण ड्राइवर की मौत हो गई थी। वहीं आज घोसला में एक ट्रक सड़क के बीचों बीच फंस गया। बावजूद इसके ना तो राष्ट्रीय राजमार्ग के जिम्मेदार अधिकारी इस पर ध्यान दे रहे हैं और न ही जिला प्रशासन के अधिकारी। इतना ही नहीं, जनप्रतिनिधि भी इसकी सुध नहीं ले रही है। देखिए उज्जैन से कमल चौहान की रिपोर्ट। रोड बहुत खराब है साहब जी, हम 4 घंटे हो गए खड़े खड़े, जैसे भी से खिंचवा फिर भी गाड़ी नहीं निकल रही हमारी, परेशान है। खाना पीना टाइम से नहीं है हमारे, आश्रम से कोटा से आ रहे सर जी, जाना हमको इंदौर जाना है, 2-3 घंटे हो गए सर, 3 घंटे हो गए। रोड बहुत खराब है, देखो ना सर जी आप जी, बहुत खराब है, क्या खराब है। लगाया फोन हमने करेगा जुगाड़ चलाना तो पड़ेगा गाड़ी, जाना तो पड़ेगा मार्ग पर, क्या करो भाई। अब सरकार बनवाए, जब अपन कहाँ से बनवाए।